नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे खान सर के एनसीईआरटी भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान क्लास 6 से 12 में खान सर के किरण पब्लिकेशन के बहुत ही ज़्यादा शानदार बुक का दोस्तों हम रिव्यू करेंगे। और ये दोस्तों एनसीईआरटी का सार संग्रह एक बुक है जिसमें आपके सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर किया गया और आपको वन लाइनर क्वेश्चन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी इस बुक के अंदर कवर किया गया। इस बुक के अंदर आपको एक कूपन कार्ड देखने को मिलेगा जिससे आप इसके सारे क्वेश्चन को ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बुक के अंदर 3000 से ज़्यादा आपको फैक्ट देखने को मिलेंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी कवर किया गया। और ये बुक दोस्तों किरण पब्लिकेशन खान सर का ये बुक है, ठीक है ना। एनसीईआरटी को कवर किया गया इस बुक के अंदर। अगर इस बुक के एमआरपी के बारे में दोस्तों बात करें तो 125 इस बुक का एमआरपी है। और इस बुक का कोड आप दोस्तों देख लीजिएगा, 4155 इस बुक का कोड है, ठीक है। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा। ये 5 बुक आते हैं, साथ में 3 बुक और ऐड कर लीजिए आप साइंस के, ये भी खान सर के बहुत ही अच्छे बुक है। सभी बुक एनसीईआरटी पर आधारित है। टोटल दोस्तों इस बुक के अंदर आपको 152 पेज देखने को मिलेगा, 152 पेज आपको देखने को मिलेगा। और इस बुक के ऊपर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। ये दोस्तों कूपन कोड है जिसका यूज कर सकते हैं। ये कूपन कोड मैंने स्क्रैच किया है, इसको यूज किया है, कर सकते हैं आप। और आपको 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एनसीईआरटी भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान क्लास 6 से 12 खान सर का ये बुक है दोस्तों। वन लाइनर अप्रोच सार संग्रह कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर किया गया है भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था का। तो किरण पब्लिकेशन खान सर का ये बहुत ही बेहतरीन बुक है दोस्तों। 3000 से ज़्यादा फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। 125 MRP जिस पे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, और इंग्लिश मीडियम में भी ये बुक ले सकते हैं। चलिए हम विषय सूची को देखते हैं। तो विषय सूची में दोस्तों आप देखिएगा, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा भारतीय राजव्यवस्था का संविधानिक विकास, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता संबंधी प्रावधान, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक एवं मौलिक कर्तव्य, संघ की कार्यपालिका, भारतीय संसद, भारतीय न्यायपालिका, राज्यों का शासन, राज्य विधानमंडल एवं संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय शासन, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र प्रशासन, केंद्र राज्य संबंध, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, चुनाव एवं निर्वाचन आयोग, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, विभिन्न आयोग एवं परिषद आदि। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा भारतीय संविधान में संशोधन एवं अनुच्छेद, विविध तथ्य, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। टोटल 152 पेज आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो भारतीय राजव्यवस्था का संवैधानिक विकास, यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले शुरुआत में। उसके बाद यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप दोस्तों देख रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यहाँ पे हेडिंग बना दिया गया और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलेगा। जैसे पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को एक विधेयक के रूप में ब्रिटिश संसद में किसने प्रस्तुत किया था, तो लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ ने। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको प्रिवीसी काउंसिल क्या होता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 क्या है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कैसे हुई थी, उनके बारे में जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ टॉपिक वाइज आपको टॉपिक वाइज आपको एनसीईआरटी के फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784, उसके बाद 1786 एक्ट, 1793 एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट, साथ में आपको यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है, द्विशासन पद्धति। तो इस बुक में क्वेश्चन आंसर के साथ साथ उस टॉपिक से रिलेटेड आपको थ्योरी भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बुक मुझे काफी अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि इसमें आप थ्योरी भी कवर कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है, और साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी कवर कर सकते हैं। तो एक ही बुक से आप सारा कुछ कवर कर सकते हैं। तो बुक को दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। ये चौथा एक्सरसाइज दोस्तों देखिएगा, और एक्सरसाइज के अंत में आपको बताया गया है प्रस्तावना के संबंध में विभिन्न प्रकार के विचार, किसने क्या बोला था प्रस्तावना के बारे में, समाजवादी क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होते हैं, न्याय व्यक्ति की गरिमा क्या होती है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या होता है, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि सारे क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा इस बुक के अंदर। और ये बुक दोस्तों काफ़ी पतला है, आप काफ़ी कम समय में बेहतर रिवीजन कर सकते हैं, और वन डे एग्जाम के लिए तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा जो भी वन डे एग्जाम होते हैं, जैसे BPSC प्रीलिम्स हो गया, SSC का एग्जाम हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया,
ठीक है, सारी एग्जाम के लिए, जैसे बिहार एसएससी के एग्जाम होते हैं, बिहार टीचर के एग्जाम हो गए, सभी के लिए, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो गया, बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, सभी के लिए ये बुक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। ठीक है, तो इस बुक को आप दोस्तों ले लीजिए, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अंतिम में दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, टॉपिक के अंत में। यहाँ से देखिए आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाता हूँ, विविध फैक्ट मिसलेनियस भी आपको देखने को मिलेगा, जो फैक्ट है जहाँ से पूछे जाते एग्जाम में क्वेश्चन, वो भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ टॉपिक वाइज आपको सारा कुछ देखने को मिलेंगे। विविध तथ्य मिसलेनियस 20वां एक्सरसाइज है, उससे पहले भारतीय संविधान में संशोधन या आर्टिकल, और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिसलेनियस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाद में आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको अंतर्राज्यीय वाणिज्य उद्योग, तो इस तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ भी आपको थ्योरी कवर किया गया है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है दोस्तों इस बुक के अंदर। तो बुक को आप लीजिए, बुक में कोई भी कमी नहीं है, बुक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से कवर किया गया और अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर में भी, ठीक है ना। उसके बाद पद्म पुरस्कारों को कितनी बार निलंबित किया गया है, उससे रिलेटेड जानकारी, मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको एक ही बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा। बुक बहुत ही ज़्यादा शानदार खान सर ने बनाया हुआ है। अगर इस बुक को दोस्तों लेना है आप लोग को, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से आप परचेज कर लीजिएगा। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा, और ये खान सर के बहुत ही बेहतरीन बुक है, ठीक है। तो इन्हें भी आप ले सकते हैं, खान सर के सारे बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे, ठीक है ना। और ये एनसीईआरटी के बुक सारे सब्जेक्ट के आते हैं, और सभी सब्जेक्ट का रिव्यू मैं बहुत जल्द करूंगा। जैसे ये अर्थव्यवस्था का बुक है, उसके बाद भूगोल का बुक है, पर्यावरण का बुक है, उसके बाद इतिहास का बुक है, तो सभी बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप परचेज कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।